हम बहुत जल्दी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, हम हर चीज़ से अपने को इजीली एसोसिएट कर लेते हैं। जीवन एक प्रवाह है, क्षणभंगुर है, कुछ भी समान नहीं रहता, लेकिन हम एक बहुत ही अनरियल एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जैसे चीज़ें हैं वैसे ही रहें। दुनिया में दुख इसलिए है क्योंकि यहाँ हमारी सारी एक्सपेक्टेशन अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, अतृप्त रह जाती हैं, और हर एक्सपेक्टेशन उस दुख को बढ़ाती है। अटैचमेंट का अर्थ है किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाना, चिपक जाना, ये एक्सपेक्टेशन रखना कि वह हमेशा जैसी है वैसी ही रहे, यह असंभव की मांग है। युवा व्यक्ति चाहता है कि वह हमेशा युवा रहे, और ये असंभव है, जल्दी ही या बाद में उसे बूढ़ा होना ही है। लेकिन फिर वृद्धावस्था आनंद लाने के बजाय पीड़ा लाती है, अन्यथा वृद्धावस्था जीवन में चरम सीमा होनी चाहिए, वह उच्चतम शिखर बर्फ से ढका होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक अंधेरा गड्ढा है, ये एक अंधेरा गड्ढा है क्योंकि हम युवावस्था से चिपके रहे हैं, हम शरीर से चिपके रहते हैं, लेकिन शरीर को एक दिन जाना ही है। उसमें रहें, उससे प्यार करें, उसका सम्मान करें, उसका ख्याल रखें, लेकिन लगाव ना बनाएं। याद रखो, ये एक सराय है, एक रात का ठहराव, सुबह हमें जाना है। सूफी हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपना जीवन खानाबदोश की तरह जीना चाहिए, एक जिप्सी की तरह। खानाबदोश का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसका घर अपने कंधों पर है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जीवन एक बहाव है, उसके साथ बहना ही तुम्हें जीवित रखता है, और हर चीज़ के साथ भी यही स्थिति है। तुम किसी व्यक्ति को प्यार करते हो, तुम जल्दी अटैच हो जाते हो, और तुरंत दुख शुरू हो जाता है। तुम उसको पजेस करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कहीं वो किसी और के प्रेम में ना पड़ जाए। तुम उसकी फ्रीडम में बाधा डालना शुरू कर देते हो, तुम उसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना देना चाहते हो, एक वस्तु। सारा लव एंड रिस्पेक्ट गायब होना शुरू हो जाता है, ये दो लोगों के बीच में चलती हुई एक निरंतर लड़ाई बन जाता है। तुम दोनों एक दूसरे को कंट्रोल और पजेस करना चाहते हो, अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। ऐसे निरंतर युद्ध में प्रेम कैसे अस्तित्व में रह सकता है? अटैचमेंट डिस्ट्रॉयज लव, इट इज द पॉइजन टू लव, ये प्रेम को नष्ट कर देता है। जितना गहरा प्रेम में उतर सकते हो उतरना चाहिए, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ, बस अपनी पोजेसिवनेस और जेलसी बीच में नहीं लानी चाहिए। प्रेम की फाउंडेशन ट्रस्ट पर बेस्ड है, अगर वो ही नहीं है तो प्रेम का दिखावा है। जीवन के सागर में हमें फ्लोट करना सीखना है, तैरना सीखना है, बिना लगाव के जीवन से गुजरना है, ऐसे जैसे जीवन बोझ ना बन जाए, चीजों से अछूते। ये सब स्थितियां जीवन में आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन तुम अपने सेंटर पर बने रहना बिना विचलित हुए, यही आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन को जीने का सही ढंग। प्रणाम।